नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। बंगाल में पिछले कई सालों से सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी का बीजेपी से डर कुछ ऐसा है कि कहीं बीजेपी उनसे पश्चिम बंगाल को छीन न ले, इसके लिए वो हर एक हथकंडा अपनाने के लिए तैयार बैठी हैं। तभी तो लोकसभा चुनाव के 7 चरणों में हर एक चरण में पश्चिम बंगाल में मतदान हुआ, लेकिन एक भी चरण ऐसा नहीं गया जब पश्चिम बंगाल में अराजकता न फैली हो, माहौल न खराब हुआ हो, तोड़फोड़ न की गई हो। फिर टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप भी तो लगा। हालांकि दीदी ने इस तरह के इल्जामों को सिरे से खारिज किया, लेकिन बीजेपी हमेशा से ही टीएमसी पर अपने कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप लगाती रही है, जो कि अभी भी जारी है। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद भी बंगाल में शांति स्थापित नहीं हो पा रही है। अभी भी बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अब राज्य में जब हालात ऐसे हैं, तो अगर राष्ट्रपति शासन की नौबत आ भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इससे पहले पश्चिम बंगाल में बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने राष्ट्रपति शासन लागू करने जैसी मांग उठाई थी और साथ ही गृह मंत्रालय के मामले में हस्तक्षेप का भी जिक्र किया था। अब राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी ने भी कह दिया है कि हालात ऐसे ही रहे तो राज्य में धारा 356 लगाने की जरूरत पड़ सकती है। अब आपको बताते हैं कि धारा 356 होती क्या है। भारतीय संविधान की धारा 356 का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब राज्य में संवैधानिक संकट हो या फिर बड़ी आपराधिक घटनाएं हो जाती हैं। आमतौर पर राज्यपाल राज्य की हालत को देखते हुए इस धारा का इस्तेमाल करते हैं और फिर राज्य की हालत की रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजी जाती है। अगर राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट को स्वीकार कर लें तो फिर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, क्योंकि भारत के संविधान में कहा गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं। ऐसे में मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर भी राष्ट्रपति धारा 356 के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर किसी भी राज्य की सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं। बता दें कि अब उन्हीं ममता बनर्जी के राज में राष्ट्रपति शासन लगने की नौबत आ रही है, जो कभी वामपंथियों की सरकार के दौरान पश्चिम बंगाल में खराब होते माहौल की वजह से राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करती रही थी। फिर चाहे गृह मंत्री के पद पर लालकृष्ण आडवाणी रहे हो या फिर पी चिदम्बरम, उस समय भी केशपुर, नानुर, आरामबाग समेत कई जगहों पर राजनीतिक हिंसा हुई थी, जिसमें कई लोग मारे गए थे। आरोप माकपा पर लगे थे कि विरोधी दल के नेताओं और कर्मियों की हत्या करा रही है, जैसे कि अब ममता बनर्जी की टीएमसी पर आरोप लग रहे हैं। टीएमसी को ही बीजेपी और आरएसएस कार्यकर्ताओं का हत्यारा माना जा रहा है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है, ये अभी जांच का विषय है। मुझे खुशी है कि मेरे दूसरे कार्यकाल के पहले विदेश दौरे पर आपके सुंदर देश मालदीव में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह और भी खुशी की बात है कि आप जैसे करीबी दोस्त से एक बार फिर मिलने का मौका भी मुझे मिला। इस अवसर के लिए और आपकी शानदार मेहमान नवाजी के लिए अपनी टीम और अपनी ओर से मैं आपको और मालदीव सरकार को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। हमारे देशों ने थोड़े दिनों पहले ही ईद का त्यौहार हर्ष और उल्लास से मनाया है। मेरी शुभकामनाएं हैं कि इस पर्व का प्रकाश हमारे नागरिकों के जीवन को हमेशा आलोकित करता रहे। एक्सलेंसी, आज मुझे मालदीव के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करके आपने मुझे ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष को एक नया गौरव दिया है। निशान इज्जुद्दीन का सम्मान मेरे लिए हर्ष और गर्व का विषय है। यह मेरा ही नहीं बल्कि दोनों देशों के बीच मित्रता और घनिष्ठ संबंधों का सम्मान है। मैं इसे
बड़ी विनम्रता और आभार के साथ सभी भारतीयों की ओर से स्वीकार करता हूं। हमारे दोनों देशों को हिंद महासागर की लहरों ने हजारों साल से घनिष्ठ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों में बांधा है। यह अटूट मित्रता मुश्किल समय में भी हमारी मार्गदर्शक बनी है। सन 1988 में बाहरी हमला हो या सुनामी जैसी कुदरती आपदा या फिर हाल में पीने के पानी की कमी, भारत हमेशा मालदीव के साथ खड़ा रहा है और मदद के लिए सबसे पहले आगे आया है। फ्रेंड्स, भारत में संसदीय चुनाव और मालदीव में राष्ट्रपति और मजलिस के चुनावों के जनादेश से स्पष्ट है कि हमारे दोनों देशों के लोग स्थिरता और विकास चाहते हैं। ऐसे में पीपल सेंट्रिक और समावेशी विकास तथा सुशासन की हमारी जिम्मेदारी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। मैंने अभी राष्ट्रपति सोली के साथ बहुत विस्तृत और उपयोगी विचार विमर्श किया। हमने आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ साथ हमारी द्विपक्षीय सहयोग की विस्तार से समीक्षा की है। हमारी साझेदारी की भावी दिशा पर हमारे बीच पूर्ण सहमति है। राष्ट्रपति सोली, आपके पद ग्रहण करने के बाद से द्विपक्षीय सहयोग की गति और दिशा में मौलिक बदलाव आया है। दिसंबर 2018 की आपकी भारत की यात्रा ने दौरान लिए गए निर्णयों को ठोस और समयबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति सोली की भारत यात्रा के दौरान घोषित 1.4 बिलियन डॉलर की वित्तीय पैकेज से मालदीव की तत्कालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति तो हुई है, साथ ही सोशल इंपैक्ट के कई नए प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं और 800 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत विकास कार्यों के नए रास्ते भी खुले हैं। भारत और मालदीव के बीच विकास साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हमने मालदीव के आम नागरिकों को लाभ पहुंचाने वाली परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया है। आज हमारा द्विपक्षीय सहयोग मालदीव में सामान्य जनजीवन के हर पहलू को छू रहा है। विभिन्न द्वीपों पर पानी और सफाई की व्यवस्था, छोटे और लघु उद्योगों के लिए पर्याप्त वित्त व्यवस्था, बंदरगाहों का विकास, कॉन्फ्रेंस और कम्युनिटी सेंटर्स का निर्माण, क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण, आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं, एम्बुलेंस सेवा, तटीय सुरक्षा सुनिश्चित करना, आउटडोर फिटनेस उपकरण की व्यवस्था, ड्रग डिटॉक्स सेंटर, स्टूडेंट फेरी, कृषि और मत्स्य पालन, नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यटन, ऐसे अनेक भारतीय सहयोग के प्रोजेक्ट से मालदीव के लोगों को सीधा फायदा पहुंचता है। हम अडू में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और ऐतिहासिक फ्राइडे मॉस्क के कंस्ट्रक्शन पर सहयोग के लिए भी सहमत हुए हैं। दोनों देशों के नागरिकों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए हम भारत में कोची और मालदीव में कुल्दुफुशी और माले के बीच नौका सेवा शुरू करने पर भी सहमत हुए हैं। मालदीव में रुपे कार्ड जारी करने से भारतीय टूरिस्ट की संख्या में और वृद्धि होगी।
इस बारे में हम शीघ्र कार्यवाही करेंगे। रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा हुई है।